अमेरिका की संसद पर हमले के बाद जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ। अमेरिका संसद कांग्रेस ने स्वीकार किए चुनाव के नतीजे। ट्रंप समर्थकों ने संसद में घुसकर जमकर किया था हंगामा। नवे दौर की बैठक से पहले किसानों ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन। हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली के लिए की रिहर्सल। ट्रैक्टर मार्च के दौरान एक्सप्रेस वे पर ही किसानों ने खाया लंगर। पीएम मोदी ने देश को समर्पित की देश की पहली डबल डेकर वाली मालगाड़ी। गुजरात के पोर्ट्स को जोड़ने में होगी सहायक। पीएम ने कहा विकास को मिली नई रफ्तार। अमेरिका के इतिहास में 7 जनवरी 2021 हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जो घमासान मचा था वो अब अमेरिका की संसद तक पहुंच गया है, क्योंकि ट्रंप के सैकड़ों समर्थकों ने अमेरिका की संसद पर हमला बोल दिया है, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को मान लिया है और अब जो बाइडेन का रास्ता बिल्कुल साफ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शिकस्त के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक हार मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने इसी सिलसिले में बुधवार को कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। ट्रंप के हिंसक समर्थकों ने कैपिटल हिल में तोड़फोड़ करने के साथ ही सभी सीनेटरों को बाहर निकाल दिया, इमारत पर कब्जा कर लिया। ट्रंप के समर्थक डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने, दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग की जा रही थी। वॉशिंगटन की सड़कों पर जब ट्रंप समर्थकों ने मार्च निकालना शुरू किया, तभी सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया गया था। इस दौरान उपद्रवियों को रोकने में अमेरिका संसद में ही गोली चल गई। इसमें एक महिला समेत कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी संसद में हंगामे के बाद अब कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को स्वीकार कर लिया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र ने कमला हैरिस की जीत भी पुष्टि कर दी है। इस हंगामे के बाद से ट्रंप की दुनिया भर में निंदा हो रही है और इन्हें राष्ट्रपति पद से तुरंत हटाए जाने की मांग हो रही है। जो बाइडेन ने इस हंगामे को राजद्रोह करार दिया है, साथ ही इस हमले से चिंता जाहिर की है। I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. Through war and strife, America has endured much, and we will endure here, and we will prevail again, and we'll prevail now. The work of the moment and the work of the next 4 years must be the restoration of democracy, of decency, honor, respect, the rule of law, just plain simple decency, the renewal of a politics. It's about solving problems, looking out for one another, not stoking the flames of hate and chaos. As I said, America is about honor, decency, respect, tolerance. That's who we are. That's who we've always been. तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। बता दें कि वॉशिंगटन में हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की, सीनेट में बवाल काटा। अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बवाल जितना इस बार हुआ है शायद ही कभी हुआ हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट जो बाइडेन की जीत स्वीकार करने को पहले ही तैयार नहीं थे, लेकिन शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 8 चरणों की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक वार्ता से कोई हल नहीं निकला है। तो आज किसान ईस्टर्न पेरिफेरल पर इकट्ठा हुए, वहां पर उन्होंने लंगर भी खाया और साथ ही एक मीटिंग करी है और उस मीटिंग में आगे की रणनीति तय की है। और किसानों का कहना है कि अब 26 जनवरी को किसान परेड करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत के पहले आज किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस मार्च में सिंघू, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर के अलावा आसपास के राज्यों से भी किसान शामिल हुए और कहा कि अपनी मांगे मनवाए बिना वो वापस नहीं लौटेंगे। सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के बीच सेंटर में खड़े हैं। हमने जो मार्च करना था 6 तारीख को, आज 7 तारीख को हमने मार्च किया। मौसम की खराबी का हम सेंटर में टिकरी वाले जहां आ गए और सिंधु वाले हम जहां लोग आ गए। आज हजारा ट्रैक्टर ट्राली, हजारा किसान हमारे जहां आ गए। आज हमने
ये दिल्ली गवर्नमेंट को एक ट्रेलर दिखाया है, फिल्म दिखानी तो अभी बाकी है। 26 जनवरी को हम गवर्नमेंट को फिल्म भी दिखाएंगे और लाखों ट्रैक्टर, आज हजारों आए हैं, हम लाखों ट्रैक्टर दिल्ली वाले एंटर करेंगे। दिल्ली के हरेक घर के मुहरे एक एक ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे, दिल्ली की हरेक गली में ट्रैक्टरों से भर देंगे। नहीं तो सरकार हमारी बातें माने, कल ऐलान करे सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए। हम तीनों कानून वापस करवाए बिना, MSP का कानून वापस कराए बिना हम जहां से नहीं जाएंगे। हमें 44 दिन हो गए ने, हम जहां से नहीं जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। गौतम बुद्ध नगर होते हुए जा रहे ईस्टर्न पेरिफेरल पर पहुंचकर किसानों ने लंगर भी लगाया और मार्च में शामिल सभी किसानों ने खाना खाया। इसके बाद यहां किसानों ने आगे की रणनीति के लिए एक मीटिंग भी की। कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन जो है लगातार जारी है और आज जो है किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, ये अपने आप में ही सब कुछ बयां कर रही है। और जिस तरह से ट्रैक्टरों का यहाँ पर काफिला लगा हुआ है, करीबन 500 से 600 ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि गाजीपुर बॉर्डर से आए हुए हैं और इस वक्त जो है ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है वहाँ पर मौजूद हैं। इधर से जो ट्रैक्टर आए हैं वो पलवल बॉर्डर से आए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक बैठक चल रही है किसानों की। इस बैठक के अंदर गाजीपुर से आए हुए किसान और पलवल बॉर्डर से आए हुए किसान जो है बातचीत कर रहे हैं और यहाँ जो अन्य किसान भाई हैं उन लोगों को इस आंदोलन के बारे में बता रहे हैं कि आगे की किस तरह से रणनीति रहेगी। वहीं ट्रैक्टर मार्च के बीच ट्रैक्टर पर एक नौजवान किसान ने जमकर स्टंट भी दिखाए और मार्च में शामिल किसानों का खूब मनोरंजन भी किया। और इस सबके बाद अब धीरे धीरे किसान वापस अपने अपने ठिकानों पर लौट रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 43 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। इसी क्रम में आज सिंघू बॉर्डर पर अलग अलग बॉर्डर से लोग इकट्ठा हुए, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से और अन्य राज्य के किसान भी इकट्ठा हुए और उन्होंने रैली निकाली और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, तो सरकार को उनकी मांगे तो माननी पड़ेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का आज 43वां दिन है। किसान संगठन आज कौंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। किसान पूरी तैयारी के साथ मार्च के लिए निकले। किसान संगठनों ने कहा कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड से पहले ये उसकी रिहर्सल है। KMP एक्सप्रेसवे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर एक्सप्रेसवे पर पहुंचे हैं। वहीं टिकरी बॉर्डर से भी किसान भारी तादाद में अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकले। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। KMP एक्सप्रेसवे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी संख्या में तैनात की गई है। पेरिफेरल हाईवे पर काफी संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जहां एक तरफ किसान डटा हुआ था, वहीं अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए सड़कों पर भी उतर आया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं पेरिफेरल हाईवे पे। ये वो हाईवे है जो कि पलवल की ओर जाता है, गाजियाबाद की तरफ से आता है। आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर से तमाम किसान जो है ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे। ये ट्रैक्टर मार्च जो है पेरिफेरल जो हाईवे है यहाँ तक आ चुका है और आप देख सकते हैं ट्रैक्टरों की संख्या, यानी कि किसान आसपास के गांव से इकट्ठा हुआ है। ट्रैक्टरों की संख्या की बात करें कम से कम 100 से 150 ट्रैक्टर हैं, साथ ही गाड़ियाँ हैं। प्रशासन यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल यहाँ पर किसान इस वजह से रुके हुए हैं ताकि जो आसपास के और जो किसान हैं वो आ सकें और इनको इनके साथ जो है जुड़ सकें। यहाँ से सीधे जो है पलवल ये सभी किसान जो है कूच करेंगे और किसानों का ये कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जो ट्रैक्टर मार्च है ये 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड के लिए जो है रिहर्सल की जा रही है। जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा संगठन द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हमारा ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। आप देख सकें किस भारी संख्या में जो है किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश, और जहां आपकी नज़र जाएगी वहां सिर्फ ट्रैक्टर ही नज़र आएंगे। तो बहरहाल तमाम कोशिश सरकार पर दबाव बनाने की, साथ दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हाथों में तिरंगा ले किसानों के हौसले बुलंद हैं। किसान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है और अब भी अपनी मांग तीनों कृषि बिलों को सरकार वापस ले इस पर अड़े हुए हैं। बहरहाल
आज की ट्रैक्टर रैली का क्या असर होगा, क्या कल की बातचीत से कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा, इसका इंतजार सभी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी मदार खंड देश को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली देश की पहली डबल डेकर मालगाड़ी को हरी झंडी भी दिखाई। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार रेलखंड का लोकार्पण कर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की। हरियाणा और राजस्थान में 306 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक गुजरात के पोर्ट्स को उत्तर भारत से जोड़ने में सहायक होगा। इस ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मालगाड़ियां चलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नए साल में देश के आगाज को अच्छा बताते हुए कहा कि आने वाला समय और शानदार जानदार होगा। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। आज हर भारतीय का आह्वान है, न हम रुकेंगे न हम थकेंगे, हम सब मिलकर, सब भारतीय मिलकर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। 5 से 6 वर्षों में कड़ी मेहनत के बाद इसका एक हिस्सा हकीकत बन चुका है। साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। देश में पहली बार होगा जब 25 टन एक्सल लोड के साथ हैवी हॉल ट्रेन का परिचालन होगा। इस मालवा ट्रेन के डिब्बे मौजूदा डिब्बों की क्षमता से 4 गुना ज्यादा माल का वहन करेंगे। सभी डिब्बे में ज्यादा वजन की क्षमता होने से ट्रांसपोर्टेशन लागत में कमी आएगी। इस ट्रेन से बंदरगाहों पर तय समय में माल की डिलीवरी हो सकेगी, वहां से माल तेजी से निकाला जा सकेगा। इस नए मालवाहक गलियारे पर रेलगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाने से हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और राजस्थान के किशनगढ़ की औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा। BLCS A और BLCS वैगनों में कंटेनर की वर्तमान क्षमता की तुलना में 4 गुना अधिक इकाइयों को ढोया जा सकता है। करीबन एक महीने के विराम के बाद नए साल में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की महंगाई का पहला झटका लगा है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दामों ने एक नई रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 84.20 रुपए तक पहुँच गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। करीब एक महीने की राहत के बाद अब कंज्यूमर्स पर फिर से ईंधन की कीमतों की बढ़त का बोझ पड़ने लगा है। तेल कंपनियों ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दाम बढ़ाए, जिसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर चला गया है।
दिल्ली में पेट्रोल 84.20 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल भी 74.38 रुपए प्रति लीटर बिकने लगा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में दिल्ली और मुंबई में 23 पैसे जबकि कोलकाता में 24 पैसे और चेन्नई में 21 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली और चेन्नई में 26 पैसे जबकि कोलकाता में 27 पैसे और मुंबई में 29 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार पेट्रोल के दाम बढ़कर दिल्ली में 84.20 रुपए प्रति लीटर है, कोलकाता में 85.68 रुपए तक पहुंच गया है, मुंबई में 90.83 रुपए और चेन्नई में 86.96 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर डीजल की कीमतों की बात करें तो डीजल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। गुरुवार को दिल्ली में 74.38 रुपए प्रति लीटर है डीजल, कोलकाता में 77.97 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 81.07 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में 79.72 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $54 प्रति बैरल के ऊपर है जबकि अमेरिकी क्रूड WTI का भाव $51 प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है। हालांकि भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत का तत्काल असर नहीं होता है लेकिन तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.